नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना। और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में एक महिला चिकित्सक पर हुए हमले से मचा हड़कंप। हमला करने वाली महिला मरीज पर दर्ज हुआ डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला। कई घंटों तक रही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित। सीएम राइज स्कूल को आवंटित 3 करोड़ की शासकीय जमीन पर कबाड़ी का था कब्जा। जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने आधारताल मिल्क स्कीम के पीछे स्थित जमीन को कराया मुक्त। 3 कुख्यात बदमाशों से भी मुक्त कराई शासकीय जमीन। और गौरजा के क्षेत्र नेशनल हाईवे स्थित नर्मदा पुल पर पैदल जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौके पर हुई मौत, पेशे से ड्राइवर था मृतक। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में इलाज कराने आई एक महिला मरीज ने ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक से मारपीट कर दी, जिसके चलते हॉस्पिटल में हंगामा मच गया और इस घटना को लेकर डॉक्टर्स के बीच आक्रोश फैल गया। डॉक्टर्स का गुस्सा तब जाकर शांत हुआ जब हमला करने वाली महिला के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला मरीज ने ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक पर मामूली बात को लेकर हमला कर दिया। डॉक्टर्स एवं हॉस्पिटल स्टाफ में आक्रोश फैल गया। सभी ने थोड़ी देर के लिए काम बंद कर दिया। आरोपी महिला के खिलाफ ओमती थाने में FIR दर्ज कराई गई और सुरक्षा की मांग की गई। NMLC केस था। डॉक्टर आकांक्षा चौधरी ड्यूटी पर थी, उनने उसको बोला कि आप थोड़ा टेबल पर लेटी, हम देखते हैं। तो उसने बोला अरे वहाँ खड़े खड़े कर रही है, इधर आ, और धक्का मारा इनको। जिनने बोला आपको मैं देखती हूँ, आप वहाँ तो लेटो और सर्जन को दिखाना पड़ेगा। तो उसने इनका मंगलसूत्र खींच के तोड़ दिया, चूड़ी तोड़ दी, झापड़ मारा और नोच दिया उसको। कहाँ की ये कुछ पता है उसमें? अरे तो फिर हम लोग जो है FIR करने गए। पुलिस ने हमारी बहुत मदद करी और हम लोग ने भी जो है डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लगाया है इसके ऊपर, जो कि अनबिलेबल होता है। बट ये है कि हम लोग ड्यूटी करते रहे और जूते खाते रहे, हम लोगों को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला जाएगा, ऐसे कौन सरकारी नौकरी करेगा भाई आगे से। फिर मारपीट हुई है मुझे बेमतलब में आकर, उसने सब, मेरे को लगता है वो मंगलसूत्र लेने के उसमें थी या जो कुछ भी, उसने खींचा चपटी में उसने चाटा मारा। ये सब एक भैया बीच में आए बचाने के लिए, उनको भी चोट लगी है। मतलब वो लेडी सिर्फ बन रही है, पागल है वो, कोई पागल आगल नहीं है। इतना वो सबको मारपीट के निकल गई, कुछ भी नहीं हुआ। आज पहली बार चलो ठीक है FIR वगैरह लॉन्च हुई तो चलो समझ में आ रहा है, इससे पहले क्या कभी किसी डॉक्टर पे हाथ नहीं उठाया। मेरे पे ये दूसरी बार हुआ है इस कैजुअलिटी में, और कुछ ही नहीं होता है ये सब। क्या कारण क्या है? मतलब कारण कुछ नहीं, उसका कहना था बहुत पुरानी इंजुरी है थी, वो फादर थे या हस्बैंड मैं नहीं जानती, पर बहुत पुरानी इंजुरी थी उनके पैर में। उनका कहना था कि आप इसको इसमें टाके लगा दीजिए, इतनी पुरानी इंजुरी पर टाके नहीं लगाए जा सकते। तो मैंने बोला नहीं लग सकते टाके इसमें, तो उसने मुझे गालियां बकी। मैं देखने के लिए कि भाई क्या हुआ, मैंने जो ड्रेसर है उनको आवाज़ दी कि भाई आप आकर देखो क्या है, ऐसी चोट है कि आप गाली वगैरह बक रहे हो। इतना ही बोला है बस कि उसने मेरे सीधा मंगलसूत्र पकड़ कर खींचा है और चाटा मारा है। गुस्से में मैं जब उसकी तरफ गई तो उसने धक्का मुक्की, और वाकई में वो इतनी मतलब क्या पावरफुल थी या जो कुछ भी, कि उसमें इतना वो जो दो लड़के मुझे बचाने के लिए आए थे काफ़ी वो थे, हेल्दी थे, लेकिन उन वो भी पिट गए। और वो वहां पुलिस ऑफिसर को मारा, उसने FIR कराने गए थे थाने में, उसने पुलिस वाले पे हाथ उठाया है। बनी हुई पागल है, पागल आगल नहीं है, कुछ नहीं है। सिक्योरिटी के नाम पे एक गार्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है हम डॉक्टर्स को। ये तो खुद मेरे साथ दूसरी बार इंसिडेंट इसी हॉस्पिटल इसी कैजुअलिटी में। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समझाइश के बाद डॉक्टर्स का गुस्सा शांत हुआ, लेकिन अधिकारियों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था में कमी है। हल्ला हुआ, हमारे डॉक्टर्स वहाँ मौजूद थे, कुछ पुलिस वाले भी वहाँ थे जो किसी अन्य मरीज के साथ आए थे। तुरंत पुलिस को खबर दी गई, ओमती पुलिस आकर उस महिला को गिरफ्तार करके ले गई और डॉक्टर आकांक्षा के द्वारा FIR दर्ज करा दी गई है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहा है। वो यहीं आसपास किसी एरिया की है महिला, वो अपने उसके पिताजी भी उसके साथ में थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वो महिला ज़्यादा एरोगेंट हो गई थी और उसने डॉक्टर के साथ काफ़ी हाथापाई और मारपीट की है। सर ये इसमें आप बंद करके रखे क्या कुछ डॉक्टर लोगों ने भी क्या? नहीं, अभी देखिए क्या होता है कि चूँकि पुलिस हमारे साथ सहयोग कर रही है, डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट भी उस पर लगा दिया है, जो काफ़ी कड़ी धारा है 2010 की,
2008 और 2010 की। तो चूंकि पुलिस ने जो धाराएं हम लोग चाहते थे वही धाराएं लगी हैं, तो इसलिए हमारा कोई विरोध ऐसा नहीं है, लेकिन एसपी साहब से हम लोग कैंपस की सुरक्षा बढ़ाने की मांग जरूर करेंगे। ओमती थाने की पुलिस ने डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला कायम कर आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी है। वहीं महिला डॉक्टर पर हमले की घटना के बाद डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग की है। पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा को सौंपे पत्र में डॉक्टर्स ने मांग की है कि सरकारी हॉस्पिटलों में सुरक्षा गार्ड तैनात कराए जाएं। जिला चिकित्सालय सहित शासकीय हॉस्पिटल्स में तैनात डॉक्टर्स ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा से गुहार लगाई है। डॉक्टर्स ने पुलिस कप्तान को पत्र सौंप कर मांग की है कि विक्टोरिया हॉस्पिटल में सुरक्षा गार्ड तैनात कराएं ताकि डॉक्टर निर्भीक होकर मरीजों का इलाज कर सकें। और एसपी साहब ने हम लोगों को विश्वास दिलाया है कि समस्या का निराकरण करेंगे। हमने एक चार की गार्ड वहाँ मांगी है और 100 डायल का एक स्टेशन मांगा है, तो एसपी साहब ने हम लोगों से विश्वास दिलाया कि इस मांग को हम पूरा। मैं भी एसपी साहब से, इसके पहले जो एसपी साहब थे उनको हम लोगों ने डिमांड रखी थी और उन्होंने आदेश भी किया था। कुछ दिनों गार्ड आई भी थी, लेकिन उसके बाद फिर वो गार्ड उपस्थित नहीं रह पाती, एक आध कोई पुलिस वाला उपस्थित रह पाते हैं तो वहाँ के लिए पर्याप्त। वहीं पुलिस कप्तान ने चिकित्सकों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है विक्टोरिया हॉस्पिटल, उसमें एक कार्यरत एक डॉक्टर है, तो एक महिला आरोपी ने उनके साथ अभद्रता की, उनके साथ मारपीट की। इस आशय का जो रिपोर्ट है वो FIR थाना उमती ने की है, उसमें आरोपी की जो विधिवत जो गिरफ्तारी है वो भी है। और ये मांग की गई है कि वहाँ पे जो डायल 100 का जो नोडल पॉइंट है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास हो, और गार्ड की मांग की गई है। तो आज SP कार्यालय में शासकीय डॉक्टर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ और हमारे सिविल सर्जन इनके साथ आए हैं, और इसका हम जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण करेंगे। बहरहाल विक्टोरिया हॉस्पिटल में घटी घटना ने एक बार फिर शासकीय हॉस्पिटलों के सुरक्षा इंतजामों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। गुंडों, बदमाशों, भूमाफियाओं के विरुद्ध पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम की माफिया विरोधी कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस और प्रशासन की टीम ने मिल्क स्कीम के पीछे आधारताल में CM राइज स्कूल को आवंटित 3 करोड़ रुपए कीमत की 10,000 वर्ग फुट जमीन को कबाड़ी अब्दुल लतीफ के कब्जे से मुक्त कराया। इस जमीन पर कब्जा कर कबाड़ का भंडारण किया गया था। इसके साथ ही आधारताल क्षेत्र के 3 बदमाशों द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा कर किए गए अवैध निर्माणों को भी जमींदोज करने की कार्यवाही की गई। गुंडों, बदमाशों और भूमाफियाओं के विरुद्ध जिले में माफिया विरोधी अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को एंटी माफिया सेल ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने आधारताल मिल्क स्कीम के पास CM राइज स्कूल को आवंटित 3 करोड़ रुपए कीमत की सरकारी भूमि को कबाड़ी अब्दुल लतीफ के कब्जे से मुक्त कराने की कार्यवाही की। कबाड़ी अब्दुल लतीफ द्वारा इस भूमि पर बाउंड्री वॉल बनाकर टीन शेड डाला गया था और इसमें एक कबाड़ का भंडारण किया जा रहा था। इसके अलावा संजय नगर और कंचनपुर क्षेत्र में 3 बदमाशों द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए कब्जे को और अवैध निर्माणों को जमींदोज करने की कार्यवाही भी पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने की। प्रशासन और पुलिस की टीम ने कंचनपुर निवासी बदमाश अंकित पटेल के कब्जे से 250 वर्ग फुट शासकीय भूमि को मुक्त कराया और यहां किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। वहीं आधारताल थाना क्षेत्र संजय नगर में 2 कुख्यात बदमाशों अन्नू उर्फ अभय कनौजिया और राहुल कहार द्वारा कब्जा कर निर्माण किए गए मकानों को जमींदोज करने की कार्यवाही की गई। प्रशासन और पुलिस की टीम ने कुख्यात बदमाश अन्नू उर्फ अभय कनौजिया द्वारा संजय नगर मिल्क स्कीम के पीछे 3,000 वर्ग फुट की शासकीय भूमि पर कब्जा कर बनाए गए मकान को तोड़ने की कार्यवाही की। अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई इस भूमि की अनुमानित कीमत करीब 90 लाख रुपए है। SDM नमशिवाय अर्जरिया ने बताया कि अन्नू उर्फ अजय कनौजिया के विरुद्ध 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके द्वारा शासकीय जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकानों को किराए पर दिया गया था। प्रशासन ने इन मकानों को खाली कराकर जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्यवाही की। इस जमीन की अनुमानित कीमत 90 लाख रुपए है। सर,
मध्य प्रदेश शासन की भूमाफिया के खिलाफ लगातार मुहिम जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था कि अन्नूर अभय कनौजिया, जो कि आधारताल थाना क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है, जिस पर 20 से अधिक अपराध विभिन्न धाराओं विभिन्न अधिनियमों के तहत दर्ज हैं, चाहे आर्म्स एक्ट हो, अवैध वसूली हो, लोगों को डराना धमकाना, हत्या का प्रयास, बलात्कार आदि के, तो इसके द्वारा कई सारी जगहों पे इसी प्रकार से मकान बना करके लोगों को किराए पर दे देता है, इससे भी वसूली करता है। तो शासकीय ज़मीन पर बने हुए इसके इसी प्रकार के अवैध निर्माण को आज नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा गिराया जा रहा है। आगे भी ये हमारी कार्रवाई जारी है। संगीन आरोप इसके ऊपर हैं, करीब 24 मामले इसके ऊपर पंजीबद्ध हैं। इसके द्वारा यहाँ पर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके लोगों को भय में डालकर और यहाँ पर मकान बनाकर ये रह रहा था। इसको आज जिला प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन नगर निगम के द्वारा यहाँ पर इसको मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। पुलिस यहाँ पर कानून व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ पर मौजूद है। वहीं जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने संजयनगर शंकर चौक पर एक और कुख्यात बदमाश राहुल कहार से 800 वर्ग फुट की शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया। नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने यहां निर्माण कराए गए 2 मंजिला मकान को जमींदोज करने की कार्यवाही की। आधारताल थाना प्रभारी शैलेश मिश्रा ने बताया कि राहुल कहार के विरुद्ध हत्या का प्रयास, मारपीट और अन्य धाराओं के लगभग 20 मामले पंजीबद्ध हैं। इसके द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा कर मकान निर्माण कराया गया था। ये संजय नगर शंकर चौक स्थित जो है, ये क्षेत्र का कुख्यात बदमाश है राहुल कहार, जिसके विरुद्ध थाना आधारताल में करीबन 18 मामले आपराधिक प्रकरण जो है दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास और अवैध वसूली, घर में घुस के मारपीट करना और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के साथ मारपीट करना, तो उसका जो अवैध मकान बना हुआ है जिसके विरुद्ध अतिक्रमण की कार्रवाई प्रशासन द्वारा आज की जा रही है। तो मैं और मेरे सारे अधिकारी इसमें सुरक्षा ड्यूटी के लिए आए हुए। माफिया विरोधी इस अभियान के दौरान इन क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में संगोष्ठी के जरिए देश और पार्टी की स्थितियों पर आत्ममंथन किया गया। नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस मानस भवन में मनाया गया। इस दौरान चित्र प्रदर्शनी के जरिए कांग्रेस की गौरव गाथा का स्मरण किया गया। वहीं संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें देश की वर्तमान राजनीतिक स्थितियों में कांग्रेस की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस जबलपुर शहर में हम लोग इसको धूमधाम से मना रहे हैं। सबसे पहले जो प्रक्रिया हमारे सेवा दल के द्वारा होती है, झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद वंदे मातरम राष्ट्रगान और हमारे जो झंडे का एक गान होता है वो भी हुआ। तीनों गान के साथ अब इसके बाद एक बड़ी संगोष्ठी का आयोजन मानस भवन परिसर में किया गया है, जहां पे सभी कांग्रेसजन उपस्थित होकर कांग्रेस की स्थापना को लेकर, कांग्रेस को लेकर और देश की स्थितियों को लेकर चर्चा करेंगे। सभी कांग्रेस का पूरा परिवार मानस भवन यहाँ इकट्ठा हुआ है। सभी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और सभी जिम्मेदार पूरे परिवार के सदस्य हमारे कांग्रेस के यहाँ पे है। आज जो हालात है उसमें कांग्रेस जनों को इस बात का आह्वान माननीय राहुल गांधी जी भी करते हैं और खड़गे जी ने भी किया है कि देश में जो नफरत के हालात हैं, जो आज जानबूझ के हिंसाएं भड़काई जा रही है, जिस तरह से जानबूझ के ऐसे काम किए जा रहे हैं कि देश में अराजकता का माहौल बने, इस सबके से लड़ने के लिए आज कांग्रेस को बहुत ऊर्जा के साथ आगे आने की जरूरत है, जिसका आह्वान आज इस कार्यक्रम में लगातार लोगों के द्वारा किया गया। कांग्रेस के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल रहीं। लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के अंतर्गत आने वाले धार्मिक स्थलों के आसपास बढ़ती असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधियों ने पुलिस अधिकारियों से की है। इस मामले को लेकर क्षेत्र की जनता ने SP के नाम एक ज्ञापन सौंपा और इन क्षेत्रों में CCTV कैमरे लगाने व अपराधियों पर लगाम लगाने की मांग की।
लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के अंतर्गत आने वाले कुछ धार्मिक स्थलों के आसपास बढ़ती असामाजिक गतिविधियों और अपराधियों की बढ़ती आवाजाही से क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इन क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग पुलिस विभाग के अधिकारियों से की है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में DSP अपूर्वा किलेदार को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को धार्मिक स्थल के आसपास हो रहे अवैध कार्यों की जानकारी दी और कार्यवाही करने की मांग की। इन क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरे लगाने की भी मांग की गई है। लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, दुर्गा मंदिर क्षेत्र, खेरमाई मंदिर क्षेत्र और टेढ़ी नीम दरगाह क्षेत्र, इन तीन स्थानों पर लोग खुलेआम दारू पीने का काम करते हैं। रात रात भर असामाजिक तत्व हमारे क्षेत्र में आके अभद्रता और हुहल्ला मचा के रखते हैं। अच्छा, कोई टाइम टेबल नहीं है, लोग कब बॉक्स बजाने लगते हैं, कब हल्ला करने लगे। सुबह पूजा का टाइम है या शाम को पूजा का टाइम है मंदिरों में, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और बॉक्स बजाना और असामाजिक तत्व वहाँ पर बहुत ही गलत गलत बातें करते हैं, अभद्रता करते हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए आज मैंने SP साहब के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिस ज्ञापन में मैंने मांग की है एक तो वहाँ से अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, और दूसरी बात ये वहाँ जो दारू बिक रही है या DJ तेज बजाए जा रहे हैं या खुलेआम दारू पी रहे हैं, उस पर अंकुश लगाया जाए। पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को उचित कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 6 के बाहर बेतरतीब ट्रैफिक से मुसाफिर रोजाना जूझ रहे हैं। ऑटो चालकों की हुड़दंग अतिक्रमण का जाल जहां यातायात जाम का कारण बन रहा है, तो वहीं स्टेशन की खूबसूरती पर भी दाग लगा रहा है। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 6 के बाहर और स्टेशन से मालगोदाम चौक को जाने वाले मार्ग पर बेतरतीब यातायात से मुसाफिर रोजाना जूझ रहे हैं। मुसाफिरों को मालगोदाम से स्टेशन तक जाने वाले मार्ग पर आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां फैला अतिक्रमण का जाल और सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाले ऑटो चालक यात्रियों की आवाजाही में खलल पैदा कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ कई बार अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही हुई, लेकिन कार्यवाही के बाद जहाँ अतिक्रमण दोबारा जम जाते हैं, तो वहीं सड़क पर सवारी ऑटो की धमाचौकड़ी से लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। ऐसे में लोगों में आक्रोश भी नजर आता है। हम लोग लेट डेली अप डाउन करते हैं, यहाँ पे उतरते ही 7-8 वाले खींचने रखते हैं कि हमारे ऑटो में बैठे, और अव्यवस्थाएँ फैली रहती हैं बहुत सी। सड़कों पे खड़े हो जाते हैं, सड़कों में भी खड़े हो जाते हैं, निकलने की जगह नहीं मिलती है, जिस कारण से यात्रियों को असुविधा होती है। रोड में गाड़ियां तो हमेशा खड़ी मिलेंगी, अभी देख लीजिए, अभी खुद ही इधर पे पूरी अव्यवस्था फैली हुई है। स्टेशन के बाहर फैली इस अव्यवस्था को दूर करने ना तो रेलवे के अधिकारी कोई दिलचस्पी ले रहे हैं और ना ही जिला प्रशासन। इससे यातायात बाधित हो रहा है और स्टेशन की खूबसूरती पर भी दाग लग रहा है। शहरवासियों की सुविधा के लिए अलग अलग क्षेत्रों में लाखों रुपए खर्च कर मेट्रो बस स्टॉप बनाए गए हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में ज्यादातर मेट्रो बस स्टॉपों पर भिखारियों का कब्जा है। यहाँ कुर्सियां टूट चुकी हैं तो कई मेट्रो बस स्टॉपों की छतें ही गायब हो गई हैं। इसके साथ ही मेट्रो बस स्टॉप के सुधार की ओर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। मेट्रो बसों में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए नगर निगम ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में मेट्रो बस स्टॉप बनवाए थे, ताकि यात्रियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, लेकिन देखरेख के अभाव में ज्यादातर बस स्टॉप दुर्दशा का शिकार हो रही हैं। यहां यात्रियों के लिए लगाई गई आरामदायक कुर्सियां टूट फूट गई हैं। इतना ही नहीं, ज्यादातर मेट्रो बस स्टॉपों पर भिखारियों का कब्जा है। ऐसे में मेट्रो बसों से सफर करने वाले यात्री इन बस स्टॉपों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आनंद नगर बस स्टॉप पे खड़ा हुआ हम बस के इंतज़ार में, हम यहाँ से डेली ट्रेवल करते हैं सर, और यहाँ पे इतनी हालत ख़राब है ये बस स्टॉप की, यहाँ की छत टूटी है और कभी साफ़ सफाई नहीं होती, और गंजेड़ियों का अड्डा बना हुआ नशेड़ियों का, और यहाँ पे कभी नगर निगम देखने को तैयार नहीं। कई मरतबा हम लोगों ने इसकी शिकायत भी की आला अधिकारियों से, इसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सर जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक तो मशीन ख़राब है रूट जो बताती है, और सफाई व्यवस्था बिल्कुल यहाँ की घटिया है। आकर थोड़ी देर अगर बस का इंतज़ार करो तो हम पैसेंजर है जो कि रोज़ ट्रैवल करते हैं बस से,
रेलवे स्टेशन तक जाना होता है, काफ़ी असुविधाएं होती है। आप गंदगी देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा है, छत टूटी हुई है, प्लस यहाँ पे काफ़ी टाइम से ऐसा लगता है जैसे कि बस स्टॉप पर नहीं किसी खंडर में आकर बैठे हुए हैं। खास बात यह है कि मेट्रो बस स्टॉपों के रखरखाव का जिम्मा नगर निगम के पास है, लेकिन नगर निगम के द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से मेट्रो बस स्टॉप बदहाल होते जा रहे हैं। भोपाल की कथा लेखिका डॉक्टर इंदिरा दांगी को छठवें गायत्री कथा सम्मान से नवाजा गया। रानी दुर्गावती कला वीथिका में आयोजित कार्यक्रम में अलग अलग विधा के साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। आयोजक मंडल ने कहा कि जीवन का यथार्थ होती है साहित्यकारों की कल्पनाएं। पाथे साहित्य कला अकादमी द्वारा छठवे गायत्री कला सम्मान समारोह का आयोजन रानी दुर्गावती संग्रहालय की कला वीथिका में किया गया, जिसमें भोपाल की लेखिका डॉक्टर इंदिरा दांगी को गायत्री कथा सम्मान से नवाजा गया। वहीं गायत्री सृजन सम्मान से बी के पाठक, डॉक्टर शोभा नेतासन, देवेंद्र गोटिया, गिरीश बिल्लोरे, सुनील साहू को सम्मानित किया गया। छठवां कथा सम्मान है जो आज इंदिरा दांगी जी को दिया जा रहा है, जो भोपाल की प्रतिष्ठित कथा लेखिका हैं, बहुत सशक्त कथाकार हैं। आज हम सब गौरवान्वित हो रहे हैं कि आज ये हमारी माँ की स्मृति में गायत्री कथा सम्मान इंदिरा दांगी जी को दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहित्यकार, रचनाकार एवं समाज सेवी मौजूद रहे। एसपी के निर्देश पर जिले में वारंटियों की धरपकड़ का अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा अलग अलग मामलों में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियान के तहत उपनगरीय क्षेत्र रांची में बीते 3 माहों में 8 सैकड़ा से ज्यादा स्थायी वारंटियों की तामीली कर कार्यवाही की गई और करीब 1 सैकड़ा से ज्यादा गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए। जिले में बीते माहों में वारंटियों की धरपकड़ और वारंट तामिलों का अभियान चलाया गया। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने अलग अलग मामलों में वांछित अपराधियों के विरुद्ध जारी स्थायी और गिरफ्तारी वारंटों को तामील कराने की कार्रवाई की। बीते 3 माहों में अभियान के तहत रांची पुलिस ने 50 से ज्यादा स्थायी वारंट और 1 सैकड़ा से ज्यादा गिरफ्तारी वारंट तामील कराने की कार्यवाही की। वारंट तामीली से न्यायालय में लंबित मामलों के निराकरण में तेजी आई है। क्षेत्र के जो भी गुंडे बदमाश हैं, जो सक्रिय बदमाश हैं, उनके खिलाफ जो भी स्थायी वारंट हो, गिरफ्तारी वारंट हो, इसको तत्काल तामीली की जाए। हमारे रांची थाना में बहुत सारे वारंट हैं, इसी वारंटों की पत्तासाजी करते हुए लगभग 50 स्थायी वारंट तामील हो चुके हैं अभी 3 महीनों में, करीबन 100-150 तो गिरफ्तारी वारंट तामील हो चुके हैं। और की तलाश न्यायालय भी इस बात पर संतोष जाहिर की है कि पुलिस के द्वारा की जा रही तामीली में कि न्यायालय में वो लोग उपस्थित हो रहे हैं, तो न्यायालय का भी मामला जल्दी से निपट रहा है। वारंट तामीली अभियान के दौरान अलग अलग मामलों में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गौर चौकी क्षेत्र नेशनल हाईवे नर्मदा पुल पर अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे युवक को रौंद दिया। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक मंडला जिले का निवासी था और पेशे से ड्राइवरी का काम करता था। गौर चौकी क्षेत्र नेशनल हाईवे पर स्थित नर्मदा पुल पर बीती रात अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे मंडला जिले के रहने वाले 32 वर्षीय युवक लखन मरावी को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। इस घटना में लखन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लखन के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा। पुलिस ने घटनास्थल पर मिले मोबाइल के आधार पर मृतक के परिजनों और उसके निवास की जानकारी हासिल की और परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मृतक लखन के परिजन सुबह मेडिकल अस्पताल पहुंचे। मृतक लखन के परिजनों ने बताया कि वह पेशे से ड्राइवर था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करते हुए उसे टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। 8:30 बजे रात में सूचना मिली थी कि एक्सीडेंट हुआ है गौर हाईवे में। वहाँ गए, वहाँ पे बच्चा रहा, मतलब जवानी है, तो वहाँ पड़ा मिला रहा। उसकी पहचान अभी लखन सिंह मरावी, पिता झलकन सिंह मरावी, 32 वर्ष, ग्राम कुमा, थाना टिकरिया, जिला मंडला के रूप में हुई। उनके परिवार जन आ गए हैं। आगे अभी देखते किस वाहन से एक्सीडेंट हुआ, इसकी जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद और आगे कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर करता रहा, लखन सिंह मरावी, माने गाँव का डंपर चलाते थे, मतलब क्या है? गिट्टी रेत ढो रहे थे,
ये परमानेंटली यहीं काम करते हैं? हाँ, 3-4 साल हो गए थे यहीं परमानेंट काम कर रही है। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर सड़क हादसे की जांच शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।